just see. Hi everyone, as promised, I am back with a new episode of Mysore. This is the second episode. I hope कि आप सबने मेरा पहला road trip video जरूर देखा है, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा. So इस video में मैं आप सबको ले चलूंगी Mysore का सैर कराने, जहां मैं शुरुआत कर रही हूँ Mysore Palace से. तो चलिए फिर शुरू करते हैं Mysore Palace से. So Mysore जो भी आता है उसे Mysore Palace तो जरूर जानी होती है. इसका एक कारण भी है, क्योंकि मैसूर पैलेस द्रविड़ पूर्व और रोमन स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है. और सिर्फ यही नहीं, कहा जाता है कि पैलेस की जो ऊपरी भाग में स्थित गुंबद गुलाबी रंग के सलेटी पत्थर से निर्मित है, जो कि बहुत ही प्रीशियस माना जाता है. तो आज हम उसी को देखने जा रहे हैं, मैसूर पैलेस. तो ये मेरा सेकेंड टाइम विजिट है मैसूर पैलेस में, बट आज मैंने मैसूर पैलेस में जो देखा वो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ. तो आप सब जरूर चलिए, क्योंकि आज मुझे एक बहुत अद्भुत अनुभव हुई है मैसूर पैलेस में. तो सबसे पहले तो हमने पार्किंग में एंट्री ली, और जैसे ही हमने पार्किंग में एंट्री ली सबसे पहले तो हमें घबराहट हो गई, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां एक साथ रुकी हुई थी, जिससे हमें पता चल ही रहा था कि अंदर का नजारा क्या होगा. तो चलिए फिर अंदर का नजारा भी दिखा देते हैं. अब अंदर का नजारा फ्री में देखने थोड़ी ना मिलेगी, तो इसके लिए क्या करना पड़ा, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा लंबा लाइन पकड़ना पड़ा, एंड जिसके लिए हमें पे करनी पड़ी 100 rupees. सो 100 rupees इज द एंट्री फी फॉर ऑल इंडिविजुअल फॉर इंडियंस. अंदर जाने से पहले मैंने अपनी बैग स्कैन करा ली. बैग स्कैन हो जाने के बाद जैसे ही मैं अंदर की तरफ रवाना हुई, अंदर का जो नज़ारा था वो तो बिल्कुल अलग था, विच आई वॉज लिटरली नॉट एक्सपेक्टिंग. वहाँ इतने सारे लोग थे, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बैंगलोर या आसपास के जो भी शहर है सब जगह से लोग मैसूर में ही आ गए. क्योंकि ये वीकेंड था, मे बी इस वजह से इतना ज़्यादा भीड़ था. तो मैंने मेरे पहले ब्लॉग में भी आप सबको सजेस्ट किया है कि अगर आप मैसूर पैलेस को अच्छी तरह से देखना चाहते हो तो आप वीकेंड में तो बिल्कुल भी नहीं आओ, बिकॉज़ अगर आप वीकेंड में आ गए तो आपको भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने मिलेगा. तो आप कोशिश करना, अगर बैंगलोर पैलेस को अच्छी तरह से देखना चाहते हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, तो यू मस्ट विजिट इन द वीकडेज. मेरे लिए हुई ये है कि मैं बैंगलोर पैलेस को पहले भी बहुत अच्छे से देख चुकी थी, तो मेरे लिए ये आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा लॉस तो नहीं था, क्योंकि अंदर जाने के लिए मैं जो देख रही थी वहाँ आपको बहुत लंबा लाइन पकड़ना होगा. एंड पैलेस के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो यू हैव टू रिमूव योर शूज़, विच इज़ मैंडेटरी. तो जूते का जो लाइन था वो अलग था, फिर महल में घुसने का जो लाइन है वो अलग है. तो एज ए होल ये सारे चीज़ों को पार करके जब तक आप अंदर जाओगे तो उसमें करीबन 2 से 3 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि वहाँ हज़ारों लोग ऑलरेडी लाइन पे लगे हुए थे, और धूप भी काफ़ी तेज़ था, गर्मी भी काफ़ी थी, और इतने सारे लोगों से गर्मी और भी तेज़ हो रही थी. मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फिर भी वीकेंड में आ रहे हो और पहली बार आ रहे हो मैसूर में और मैसूर पैलेस में, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के अंदर भी जरूर जाइए, क्योंकि अंदर का जो नज़ारा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. आपको बहुत अच्छा से एक्सपीरियंस हो जाएगा कि महल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वहाँ का सजावट और जिस तरह का कलर्स का इस्तेमाल किया गया है पूरे महल के अंदर में, तो वो देखने वाली चीज़ है. तो अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो और अंदर बिना जाके बिल्कुल भी वापस मत आओ.
हाय गाइस, सो मैं अभी निकल रही हूँ मैसूर पैलेस से एंड अंदर घुसना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज इट वॉज सो मच क्राउडेड. आप कोशिश करना बिल्कुल भी वीकेंड में ना आओ. सो या मैं अभी कोई दूसरे स्पॉट में जा रही हूँ बिकॉज यहाँ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कुछ भी देख पाना. ओके गाइज, सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे मैं आई हूँ वो है GRS फैंटेसी पार्क, विच इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर ऑल द एडवेंचर लवर्स. बच्चों के लिए ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है जहाँ में सिर्फ एक दो नहीं बल्कि आपको 4-5 एडवेंचरस स्पॉट मिल जाएगा. यहाँ आने से आपको फुल टू एंजॉय हो जाएगी. आप हर एक एडवेंचर के बारे में जो आप सोचते हो वो आपको यहाँ मिल जाएगी. सो यहाँ आपको एम्यूजमेंट पार्क, स्नो पार्क और बहुत सारे एडवेंचरस चीज़ें मिल जाएंगी. पर मेरा यहाँ आने का पर्पस जो है वो है अप डाउन म्यूजियम, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे हैं और कुछ इंस्टाग्राम रील्स भी देखे थे. तो तभी से मैंने ये सोच ली थी कि जब भी मैं मैसूर आऊँ तो मैं इस जगह पे ज़रूर आऊँ, क्योंकि जो ये म्यूज़ियम है ना वो काफ़ी यूनिक है और आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा. दिस इज़ द टिकट काउंटर, यहाँ से आपको टिकट लेनी होगी. अच्छा, यहाँ में बहुत सारे पार्क है. एक्चुअली मैं आई थी तो मुझे लगा था सिर्फ अप डाउन म्यूज़ियम ही मिलेगा, बट यहाँ में बहुत सारा है, जैसे स्नो पार्क है, फैंटासी पार्क है. तो जहाँ में आपको जानी है आप वहाँ चले जा सकते हैं. मैं तो फ़िलहाल अप डाउन म्यूज़ियम में ही जा रही हूँ, मैं स्नो पार्क वगैरह में नहीं जा रही हूँ. तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं काउंटर्स, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं. ये टिकट काउंटर है. ये है रिस बैंड. 2% का टिकट एक ही साथ है, एक ही रिस बैंड पहनने से ही हो जाएगा. तो 2 लोगों का रिस बैंड एक ही है. अभी हम जा रहे हैं अप डाउन म्यूजियम के तरफ एंड टिकट कॉस्ट इज 645 पर पर्सन, विच आई फेल्ट इज 645 पर 2%. ओके, 645 पर 2%. पहले मुझे लगा 645 पर 1%, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली ही है एक्चुअली. सो नहीं, 645 पर 2%. काफ़ी ज़्यादा गर्म है, टेम्परेचर इज़ अराउंड 32 to 33 डिग्री सेल्सियस. एंड आगे जो है वो स्नो पार्क है जहाँ हम जा नहीं रहे. ये स्नो पार्क है, ये पूरा स्नो पार्क है. अपसाइड डाउन का एंट्री वो रहा, वो कोने में है, उस कोने में है अपसाइड डाउन का एंट्री. यहाँ में जो लिखा ही हुआ है अपसाइड डाउन वो था, दैट्स द एंट्री. दिस इज द एंट्री. Please leave your footwear here. तो यहाँ आपको शूज अपने रखने होंगे. सो ऐसा है कुछ अंदर का नज़ारा जहाँ आपको सारी चीज़ें जो है वो उल्टा ही नज़र आएगा. और वीडियो में आपको बहुत अच्छा से ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट वो है कि यहाँ लोग ज़्यादातर फ़ोटो खींचते हैं एंड आप फ़ोटो खुद से नहीं खींच सकते. यहाँ में क्रू मेंबर्स है, जो क्रू मेंबर्स है वो हर एक पर्सन के लिए या हर एक ग्रुप के लिए एक क्रू मेंबर अलॉट किया जाता है और वो क्रू मेंबर ही आपका फ़ोटो खींचता है. आप खुद से फ़ोटो नहीं ले सकते, वीडियो इज़ नॉट अलाउड देयर. फिर भी मैंने एक दो वीडियो कर लिए, बट आप सिर्फ यहाँ फ़ोटो ही खींच सकते हैं. सो यहाँ का जो फॉर्मूला है, बेसिकली आप वीडियो आप नहीं ले सकते जैसा कि मैंने बताया, फ़ोटो ही आपको लेनी होगी. और फ़ोटो आप खींचने के बाद फ़ोटो को आपको रोटेट कर देनी होगी, दैट मीन्स अपसाइड डाउन करने से फिर आपको फ़ोटो का जो मीनिंग है वो आपको समझ में आएगा.
Hi guys, so I'm out from the up and down museum and it was so much fun. बहुत fun है. Video करना possible नहीं था because ज़्यादातर वहाँ में photo खींचना ही I think ज़्यादा ideal है. और videos वगैरह मैंने कुछ post किए हैं, आप मेरे Instagram में check कर सकते हैं. तो बहुत ही fun है, बहुत सारे photos खींचे. आपको ये जगह ज़रूर आनी है. और most importantly मुझे यहाँ में ये अच्छा लगा जो यहाँ में crowded ज़्यादा होने नहीं दे रहा है. यू नो, दो तीन लोग करके घुसा रहे, विच इज़ वेरी वेरी गुड. क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाए तो आप यहाँ में कोई भी फोटो नहीं खींच सकेंगे. क्योंकि ये जगह जो बेसिकली है वो फोटो खींचने वाला जगह है, तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होने से आपको फोटो खींचने का कोई एंगल ही नहीं मिलेगा. तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी जो यहाँ में दो तीन लोग करके भेज रहा है. एंड या मैंने बहुत सारे फोटोज खींचे, एक्चुअली बहुत ज़्यादा फोटो खींचे. आप इंस्टाग्राम में बिल्कुल चेक करिए. एंड और ये जगह बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि ये जो यहाँ में अप एंड डाउन म्यूजियम के अलावा भी बहुत सारे एडवेंचर पार्क्स वगैरह है, स्नो पार्क, बहुत कुछ है यहाँ में. और बच्चों के लिए आई थिंक बहुत आइडियल जगह है. अगर आप मैसूर आते हैं तो एसआरएस फ्यूचर पार्क में ज़रूर आइए. तो अभी मैं चलूँगी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे. बहुत थक गई हूँ. अभी आपका दोपहर का 4 बज चुका है एंड आज काफ़ी गर्म है. तो आई होप आज देखते हैं. अभी मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रही हूँ, हालांकि आज बहुत गर्म है. तो फिर आपको भी मैं ऑब्वियसली लेके चलूंगी साथ में. तो फैंटेसी पार्क के अंदर ही कुछ कुछ खाने का ऑप्शंस भी है, जैसे पैटीज, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ स्नैक्स आइटम्स आज अवेलेबल देयर. तो आप वहाँ पैटीज जरूर ट्राई कीजिए, दैट इज वेरी वेरी टेस्टी. सो गाइस, जो जाते वक्त जो मैंने बैंड ली थी, सो वो बैंड मैंने रिटर्न कर दी. अगर वो बैंड आप रिटर्न कर देते हो तो आपको 150 रुपीज़ रिफंड मिल जाती है. तो आपका जो भी टिकट वैल्यू है उसमें से 150 रुपीज़ मुझे रिटर्न मिल गई है. नेक्स्ट इज, इफ़ यू आर इन मैसूर, यू मस्ट गो टू द कानंस बेकरी एंड वहाँ जाके आप मैंगो मिल्क शेक ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप एक खा के तो रेसिस्ट नहीं कर सकते. हेलो गाइस, सो वेलकम टू डे 2. सो डे 2 में सबसे पहले ही मॉर्निंग में ही हम आ गए हैं चामुंडी माता टेम्पल. हम यहाँ पहुँचे हैं मॉर्निंग 7 को. बट 7 को भी आने के बाद हमें यहाँ का भी नज़ारा कुछ मैसूर पैलेस जैसा ही मिला. यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी सिर्फ कार पार्किंग के लिए. एंड मंदिर के अंदर का नज़ारा तो मैं आपको दिखाऊंगी ही कुछ देर में. तो अगर आप चामुंडी माता टेम्पल में आते हैं वीकेंड्स में तो यू मस्ट विजिट हेयर बिफोर द सनराइज. सो गाइज, आप जैसे ही पार्किंग लॉट से निकलेंगे, आपको जैसे ही मंदिर की सीढ़ियाँ मिलेगी तो यहाँ बहुत सारे दुकान मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि मंदिर काफ़ी सामने है, आप जूते यहीं खोल दें. तो आप जूता यहाँ नहीं खोले क्योंकि मंदिर इतना सामने नहीं है, मंदिर काफ़ी दूर है. सो यहाँ थोड़ी सी फ्रॉड हो रही है, थोड़ा सा मिसगाइड किया जा रहा है. तो मंदिर के अंदर का नज़ारा भी कुछ कुछ मैसूर पैलेस जैसा ही था. आप जो मेरे सामने देख रहे हैं वो मंदिर के दर्शनार्थी का जो लाइन लगा हुआ है वो करीबन हज़ारों लोगों की है. तो आप अगर यहाँ आते हैं और अगर मंदिर के अंदर जाके पूजा देना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 3 से 4 घंटा तो लग ही जाएगा. पर क्योंकि हमें फिर वापस बैंगलोर आना था तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, तो हमने पूजा बस बाहर ही कर लिया. So now let's go to the next destination, which is the Saint Philomena Church, which is again one of the important and must visit place in Mysore. इसकी जो खूबसूरती है ना वो आपको बहुत दूर से ही दिखाई देगी. बहुत ब्यूटीफुल सा चर्च है एंड वेरी फोटोजेनिक. आप यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फोटोज ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं. एंड अगेन अगर आप वीकडेज में आते हैं तो आप बहुत अच्छे से फोटो ले पाएंगे क्योंकि इतना भीड़ भाड़ तो उस वक्त नहीं होगा. सो दिस इज़ रियली रियली अ वेरी ब्यूटिफुल चर्च. और अगर आप जब भी नेक्स्ट मैसूर आए, अगर आपने ये चर्च नहीं देखी तो फिर आप ज़रूर आइए यहाँ. तो इसी के साथ साथ चलिए थोड़ा मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ और अंदर भी दिखाती हूँ. तो ऑफकोर्स यू हैव टू रिमूव योर शूज बिफोर एंटरिंग. एंड यहाँ काफ़ी ज़्यादा यू नो बहुत सारे डायरेक्शंस लिखे हुए हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है ये चर्च कब फॉर्म हुई थी, कब बनी थी. एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल इनसाइड ऑल्सो.
तो बहुत ब्यूटीफुल अंदर है। ये प्रेयर का टाइम नहीं था तो इस वजह से सब लोग जाके बस विजिट ही कर रहे थे। तो मैंने भी यहाँ इंस्टाग्राम के लिए बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह खींची। एंड या सो मेरा माइसोर टूर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। होप कि आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। बाय।